कार लेनी था क्या कर। तो एक महीने में कितना चलाते हो, कितने दिन चलाते हो, ऑफ ऑफ कितने मिलते हैं और कितने दिन चलाते हो? हर रोज डे नाइट चलते हैं। और एक दिन में कितने घंटे चलाते हो? 12 घंटे चलाते हैं, 24 घंटे। मुश्किल काम है वैसे? और पैसा कितना मिलता है आपको? 10,000 में बच्चे पल जाएंगे। 10,000 में कितने घंटे चलना पड़ता है? रोड पे चलते कोई भरोसा नहीं होता। और अगर एक्सीडेंट होता है तो बीमा होता है? नहीं होता, नहीं उसमें कुछ नहीं। और जो आम ड्राइवर होता है कितने साल चला सकता है? लाइसेंस डेट होती है, क्या कहते हैं 20 साल की होगी अब तो 20 साल ही ड्राइवर लाइसेंस। 60 वाले भी चला रहे? हाँ जी, 70 वाले भी चला रहे काफी ऐसे। और कभी भी निकाल सकते हैं? कभी भी निकाल, चाहे हमारी अपनी खुद की स्टेट की ना हो, ड्राइवर की कोई कदर नहीं। हम टैक्स भरते, सब कुछ भरते, फिर भी हमारी वैल्यू नहीं। बार तो डबल टैक्स हो गया जी, रोड टैक्स हो गया जी, टोकन टैक्स हो गया जी, सारे टैक्स बढ़ गए, ऑल इंडिया परमिट का टैक्स हो गया जी। मगर आपके बिना कुछ चले ना, देश नहीं चल सकता आपके बिना। अब लॉकडाउन में हमने धोया जी, लोग घरों में पड़े हुए थे, हम दवाई डो रहे थे। अगर अगर सरकार आपके लिए कुछ करे तो क्या करना चाहिए? अरे ये करना चाहिए, मेहमान के ड्यूटी होनी चाहिए, जैसे मान लो चाहे 12 घंटे रख लो तो एक साइड तो आराम मिलना चाहिए। जैसे अभी हम 24 घंटे चले रहते हैं तो आपको ओवर टाइम ऐसा कुछ नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता। अगर आपका जो माल है अगर वो चोरी हो जाता है या खराब हो जाता है तो फिर क्या होता है? अगर चोरी हो जाएगा तो पहला तो कटाप्पा ड्राइवर का ही होगा, तो ड्राइवर का ही करना। जो चोर करने वाला, चोरी करने वाला वो तो भाग जाता है, वो तो निकल जाएगा। सारा सामान ड्राइवर जो पता है उसको ले जाएंगे, अंदर करेंगे, चार डंडे और मारेंगे और उल्टा उसके ऊपर इल्जाम लगा देते हैं, इतना मार दिया इसका पूरा पता नहीं। गाड़ी वाले कोई सुरक्षा है, मतलब रिस्क रहता है तो पूरा। आप कहाँ जा रहे हो? चंडीगढ़ सर। हम शिमला जा रहे हैं सर, हमारे साथ चंडीगढ़ तक चले चले आप साहब? चलो सर, पक्का चलो चलते हैं। तो आप ये कितने साल से कर रहे हो? तो सर बता लेकर और कितना लगता है, कितने साल और करोगे? पर अभी लाइसेंस के मेरे बचे हैं 10 साल। पैसा बचा पाते हो थोड़ा? नहीं, हाँ गुजारा होता रहता है। और कुछ करते हो? यही करते हो? यही काम करते हो। तो कौन सा इंजन है इसमें? लीलैंड का इंजन है, 28-18। कितना पैसा लगता है बच्चों की पढ़ाई में? और गाँव में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। अंग्रेजी पढ़ रहे हैं? हाँ पढ़ रहे हैं। और क्या करना चाहते हैं बड़े होके? वो कहते हैं वो कोई सरकारी नौकरी जॉब देखेंगे, पढ़ रहे हैं अभी तो। मगर आप नहीं चाहते कि वो ट्रक चलाए? ना नो सर। और इसमें कूलर लगा है पीछे? हाँ सर। काम करता है ये? चल रहा है। अब हम लोगों ने लगाया सर अब। अच्छा, ये मतलब होता नहीं है नॉर्मली गाड़ी में? नहीं होता। अमीर लोग हैं वो नीचे, जो गरीब टाइप के लोग हैं तो उनको थोड़ी उनकी मदद करनी चाहिए, थोड़ा उनको भी अपने साथ लेके चलना चाहिए, तो उनका भी गुजारा। अच्छे बच्चे पढ़े स्कूल में, अच्छी वो करें। इसमें खतरा ही खतरा है, जैसे आप मैं सही चल रहा हूँ, अब मुझे पीछे वाला या सामने वाला वो नहीं पता वो कैसे मूड में आ रहा है। बिल्कुल, ड्राइवर तो किसी ने नहीं बोला। और आप जो पैसा थोड़ा सा बचाते हो उससे क्या करते हो? वो बच्चों के लिए सर, पढ़ाई के लिए। बैंक में रखते हो उसको? बैंक में थोड़ा बहुत ही रहता है, वैसे तो बच्चों की पढ़ाई लड़ाई खर्ची। पापा आए आपके साथ कभी ट्रक में? नहीं, उन्होंने मना किया था, बस कोई काम नहीं दिखाई दे रहा था, उन्होंने मना किया था ट्रक नहीं चलाना। क्यों? खतरनाक, खतरे का काम है। आपने नहीं माना? काम ही नहीं था सर कोई। अगर आप ये नहीं करते तो क्या? तो सर गांव में खेती बाड़ी करते ही, हाँ पढ़ लेके जाते अच्छी तरह, तो कुछ और सोचते, तो प्राइवेट जॉब करते सर। और तो जो बड़ी ट्रक चलाते हैं उनको ज्यादा पैसा मिलता है? थोड़ा बहुत अंतर आता है, ज्यादा नहीं होता। तो जो आपके कंडक्टर हैं इनको आपके साथ लगाया जाता है या आपके दोस्त हैं, आपने आपने चुना इनको? मैंने चुना है। राइडिंग करते हो? ये आपके चाचा है, कितने साल से जब शुरू किया? परेशानी क्या? परेशानी है क्या हुआ? कुछ सोचा तो
एक हो गए, खत्म हो गए। ज्यादा हो गई है, सबसे ज्यादा महंगाई में आपको चोट कहाँ से लगती है? मगर डीजल का पैसा कंपनी देती है, सामान लेकर जा रहे हैं, हाँ मतलब डीजल का असर सब चीज में पड़ता है, तेल ला रहा है तो चौपर नहीं है, चौपर ला रहा है तो आटा नहीं है, महंगाई तो बढ़ती है, मगर आपका जो पैसा बनता है वो बढ़ता है नहीं, वो आगे बार कब बढ़ा था? उतना ही चला आ रहा है, उतना ही चला रहा है। आप तो सरकार आएगी सर तो क्या कहते हैं, हो जाएगा कोई नहीं मिला, वो ट्राई तो कोशिश तो करेंगे। आप बीमा का पैसा देते हो? नहीं, एक बार बीमा किया था तो किस्त से कूद गए, उसकी उतना कमा नहीं पाते थे। अच्छा, ये जब जैसे दिवाली के महीने होते हैं इसमें आपके पैसे ज्यादा बनते हैं कम बनते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता? बहुत अच्छा चलाते हैं, मतलब अच्छा पता लगता है, ट्रक में बैठ के बात समझ आती है, वेरी डिफिकल्ट जॉब।